हेलो स्टूडेंट, मैं अजय सर। मेरे चैनल का नाम है अजय ट्यूटोरियल और मैं कर रहा हूँ आपकी मुश्किलें आसान। और क्योंकि मैं आप सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे छोटे छोटे वीडियोस में आपकी डिफिकल्टीज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि आपको हेल्प कर सकता है आपके आने वाले फिजिक्स बोर्ड के रिटन एग्जाम के लिए, राइट। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मैं देने वाला हूँ कि आप कितने न्यूमेरिकल्स छोड़ सकते हो, कितने चैप्टर्स ऑप्शन में रख सकते हो जिसमें कम से कम लॉस हो आपका। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। आज का वीडियो है एचएससी फिजिक्स पेपर पैटर्न स्पेशली डिस्कशन है। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि इसमें एक्चुअल जो बोलते ना कि तुम्हारे मन में जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि मैंने क्वेश्चन नंबर लिख दिया है पहले यहाँ पे सॉर्ट आउट करके, राइट। क्वेश्चन नंबर में आप लोग देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में 10 क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, ये सबको पता है। मार्क्स पर क्वेश्चन कितना है, यहाँ पे 1 क्वेश्चन पर मार्क्स है, मतलब 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा। इसमें से सब अटेम्प्ट करना है, आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। टोटल यहाँ पे मैंने टोटल क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया 3 कैटेगरी में। यहाँ पे टोटल क्वेश्चन 10 आने वाले हैं, थियरी क्वेश्चन कितना रहने वाला है 7, और न्यूमेरिकल कितना रहने वाला है 3 क्वेश्चन, और आपको अटेंड करने हैं 10 के 10, मतलब 3 क्वेश्चन 3। अगर न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा आपको न्यूमेरिकल से डर लगता है तो मतलब 3 मार्क्स आप लॉस करोगे यहाँ पर, राइट। ओके, नेक्स्ट वाले में देखते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 8 क्वेश्चंस होते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर, मतलब 1 मार्क्स के आंसर्स होते हैं इसमें। और इसमें हम लोग देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं 1 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन रहेगा, मतलब एमसीक्यू भी 1 मार्क्स के, वेरी शॉर्ट आंसर भी 1 मार्क्स के। टोटल नंबर कितने, टोटल मार्क्स कितना कवर करेगा क्वेश्चन नंबर 2, 8 मार्क्स कितने अटेम्प्ट करने हैं टोटल, मतलब सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 8 में से 1 क्वेश्चन तुमको अटेम्प्ट करने हैं। इसमें से 6 थियरी होते हैं, 2 न्यूमेरिकल्स होते हैं। और उसके साथ साथ ये भी बता दूं, एमसीक्यूज में 10 to 11, देखो 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन में अगर एक चैप्टर रिपीट भी करता है, राइट, तो रिपीट करेगा तो 9 चैप्टर ही होगा, राइट। 9 क्वेश्चन होगा, 10 to 11 मैंने ऐसे एवरेज लिख दिया है। सपोज 11 एक हम सेफ साइड में चल रहे हैं तो 10 to 11 क्वेश्चन तुम्हारे रहेंगे वहां पर। मतलब यहाँ पे आउट ऑफ 16 चैप्टर 10 to 11 चैप्टर किए हो तो भी ये अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो, कहने का मतलब यही निकलता है। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे आता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन मैंने बता दिया जैसा, 8 मार्क का है, सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और उसमें 6 थियरी क्वेश्चन होंगे, 2 न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन होंगे। अगर न्यूमेरिकल से डर लगता है तो उसमें देखो 6 थियरी 2 न्यूमेरिकल्स, हमको टोटल अटेम्प्ट करने कितने हैं 8 करने हैं, मतलब आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते इसमें। मतलब सीधा सीधा 2 न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन का मार्क्स आपका लॉस होगा यहाँ पे, 2 न्यूमेरिकल्स मतलब 2 मार्क्स। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर शॉर्ट आंसर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 3 to क्वेश्चन नंबर 14, टोटल होते हैं 12 चैप्टर्स, सॉरी 12 क्वेश्चंस, 12 क्वेश्चंस आउट ऑफ 12 क्वेश्चन, देखो यहाँ पे 12 क्वेश्चन लिखा है मैंने। 12 क्वेश्चन में से आपको अटेम्प्ट करने हैं 8 क्वेश्चन, जिसमें से 7 थियरी क्वेश्चन होंगे, 5 न्यूमेरिकल्स होंगे। बहुत ही क्लियर है, 8 क्वेश्चन आपने थियरी में बहुत वर्कआउट किया है तो थियरी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। 7 क्वेश्चन आपका ज्यादा से ज्यादा इसमें लॉस कितना होने वाला है, 2 मार्क्स का, सॉरी हाईलाइटर से लिख दिया, सॉरी। ओके, हाँ 2 मार्क्स का लॉस होने, मतलब एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे अगर न्यूमेरिकल पूरी तरह से छोड़ते हो। वो भी टच कर सकते हो, इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं, थोड़ा ट्राई करना, इसमें भी 1-8 मार्क्स गेन करने की कोशिश करना। ओके, जितने ज्यादा से ज्यादा मार्क्स है पेपर में उतना अच्छा है। ओके, अब इसमें कितने हैं, 12 to 13 चैप्टर, 12 to 13 चैप्टर इसमें भी सेफ था। मतलब अगर मैं 12 to 13 चैप्टर बोलूँ तो 3 चैप्टर्स अभी भी बच रहे हैं आउट ऑफ 16, राइट। 3 चैप्टर्स यहाँ पे हम अगर ऑप्शन रख रहे हैं तो भी हम सेफ साइड में। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे 2 मार्क्स वाला हो गया शॉर्ट आंसर 2 में। क्वेश्चन नंबर 15 to क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 15 to क्वेश्चन नंबर 20 में देखो यहाँ पर 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, राइट। और टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 12, कितने अटेम्प्ट करने हैं 10, सेम 2 मार्क्स वाले जैसा है। 7 यहाँ पे, 7 थियरी क्वेश्चन, 5 न्यूमेरिकल्स, और इसमें भी 12 to 13 चैप्टर आपके काम आएंगे। ओके, इसमें भी 3 चैप्टर आप ऑप्शन रख रहे हो तो ये टोटल 24 ये तो एग्रीगेट आप कर ही लोगे, टेंशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट, अगर यहाँ पर न्यूमेरिकल्स आप छोड़ रहे हो कम्प्लीटली और थियरी बहुत अच्छे से करके जा रहे हो तो 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो प्लस थियरी,
प्लस न्यूमेरिकल का पार्ट छूट जा रहा है, मतलब 8 करने थे, आपने सिर्फ किया है कितना, 7, तो 7 किया है तो एक तो लॉस होगा ना 3 मार्क्स का। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा सा मतलब इतना इजी नहीं होता इसका पैटर्न समझना। तो दो पेपर पैटर्न, दो लेटे मतलब जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके बेस पर दो पेपर पैटर्न अभी तक आए हमारे, दो पेपर्स आए बोर्ड के, उसके एनालिसिस के बेस पर मैं ये बता रहा हूँ आपको। ये बता रहा हूँ कि लॉन्ग आंसर, यहाँ पर लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं एक क्वेश्चन, जिसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दो होते हैं, मतलब एक सिंगल चैप्टर से ही होगा, एक बड़ा डेरिवेशन होगा, राइट, ये दो क्वेश्चन होते सीधे सीधे, लेकिन बाकी के 3 क्वेश्चन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। रीजन उसमें मिक्सिंग भी होती है, दो से अलग अलग चैप्टर की मिक्सिंग हो सकती है, राइट, मतलब 3 अलग अलग चैप्टर्स हो सकते हैं, और 3 अलग अलग चैप्टर्स में क्या हो सकता है, 2 2 मार्क्स का थियरी, 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल्स, ऐसे मर्ज करके रखेंगे। मतलब यहाँ पर कुछ भी कर लो, अगर ये दो अटेम्प्ट कर लेते हो तो भी आपका 2, या फिर मैं मैक्सिमम मैक्स कंसिडर करूँ तो 4 4 मार्क्स जाने ही वाला है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। रीजन कि मिक्सिंग है यहाँ पर, और मिक्सिंग के लिए अपने को कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, राइट। तो 4 मार्क्स वाले में आप मान के चलो कि एक अगर दो भी अटेम्प्ट करके आते हो तो प्लानिंग के अकॉर्डिंग सक्सेसफुल रहोगे, राइट। ओके टोटल लॉस कितना हुआ ये काउंट कर लेते बच्चे, देखो 3 प्लस 2 5 7 10 14, 14 मार्क्स का लॉस हुआ, राइट। 14 मार्क्स, 70 माइनस 14 कितना होता है, 70 माइनस 14 66। मतलब अगर आप न्यूमेरिकल्स नहीं करके जा रहे हो तो आप डायरेक्टली कितना 70 मार्क्स का पेपर देने नहीं जा रहे हो, आप कितने मार्क्स का पेपर देने जा रहे हो, 66 मार्क्स के, राइट, 66 मार्क्स के पेपर देने जा रहे हो। अब 66 मार्क्स के पेपर देने जा रहे हो, अगर तुमने प्लानिंग के अकॉर्डिंग अच्छे से अटेम्प्ट किया, न्यूमेरिकल टच नहीं किया, तो भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि नियर बाय 60 तो आने ही चाहिए, क्योंकि थियरी पे तुमने वर्कआउट किया, अपना न्यूमेरिकल वाला पूरा टाइम बचा लिया है, तो 60 तुम अटेम्प्ट करके आओगे, और तुम्हारे लिखने के ऊपर भी रहता है, तो अप्रोक्सीमेटली 55 मार्क्स में कंसिडर करता हूँ। तो 55 प्लस न्यूमेरिकल्स में आपको मिले होंगे 20 5 के ऊपर, मिनिमम कंसिडर कर रहा है यहाँ पे, तो टोटल हो गया कितना 50, और हाँ ये डायरेक्टली हो गया कितना 80 मार्क्स। मतलब आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100 आप 80 मार्क्स आराम से ला सकते हो, और 80 मार्क्स फिजिक्स में लाना रिस्पेक्टफुल मार्क्स होता है, राइट, क्योंकि आप जानते हो आपकी कंडीशन क्या है। तो इसीलिए स्ट्रैटेजी पे वर्क करो, ये स्मार्ट प्लानिंग करो, क्योंकि अभी टाइम नहीं बचे हमारे पास, दो दो 4 दिन बचे होंगे, इसी के अकॉर्डिंग हमको पढ़ाई करनी है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात रह गई इसमें है कि 10 11 चैप्टर यहाँ पे बताया मैंने, चलो 10 ही चैप्टर, यहाँ पे 9, यहाँ पे 12 टू 13, मतलब मैं अगर तुमको बोलूँ 3 चैप्टर्स आसानी से छोड़ सकते हो, इसके लिए ऑप्शन नहीं, 3 चैप्टर्स, 3 चैप्टर्स अगर आप नहीं कर रहे हो, मतलब आउट ऑफ 16 कितने चैप्टर करना है, 13 चैप्टर, बट ये अच्छे से करना है, और आपको अपने पे डाउट है भाई अच्छे से नहीं हुआ तो 1 चैप्टर और गेन कर लो, राइट। तो 3 चैप्टर बहुत अच्छे से करके जाने, देखो यहाँ पे बहुत सारा कुछ लिख दिया मैंने एक के ऊपर एक, लेकिन आप लोग, मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, तो ये अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, ये पक्का आपको हेल्प करने ही वाला है ये, क्योंकि हम मैंने ये देखा है पिछले 10 से 12 बैच में मेरे सामने से, यही है मैं पर्सनली मैं हैंडल किया हूँ, तो 10 से 12 बैच का मतलब बच्चों का आने के बाद एक्सप्रेशन यही होता है, सर हार्ड आया था क्वेश्चन नंबर, वो सेक्शन 3, मतलब ये 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, तो उनका बोलना यही होता है। तो मैं बोल, अगर ये चीज आपके मन में है, ये चीज पूरा सीख लिए हो, तो आपको पता है कि कितना न्यूमेरिकल कितना थियरी आने वाला है, तो आप पेपर लोगे तो पहले थियरी ढूंढोगे उसमें से, क्योंकि आपको पता है कितना न्यूमेरिकल, आप डरोगे नहीं कहने का मतलब, ठीक है, तो इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, कुछ और नया वीडियो लेके आता हूँ मैं, कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करूंगा नेक्स्ट वीडियोज में, तो आप बने रहो मेरे चैनल पे, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए थोड़े थोड़े समय में सब कुछ क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।